नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं जा रहा हूँ एक वीडियो बनाने जो कि 555 की आईसी जो आती है जो मेरे पास अभी है फिलहाल में। तो 555 की जो आईसी आती है उसमें मैं किस लिए मैं यूज में ले रहा हूँ आपको मैं बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ कि जो हमारे जो स्टेशन मास्टर होते हैं जो ट्रेन आती है तो उसको रोकने के लिए या पास देने के लिए जो ग्रीन कलर की और रेड कलर की लाइट लगी रहती है तो वो ब्लिंक करती है। तो मैं ये जो 555 की आईसी जो आती है मैं उसमें लगाऊंगा। तो आप जो है वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें दोस्तों। जो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये हमारी जो आईसी है ये आपको कुछ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। NE555P या अगर आईसी आपको मार्केट में अगर नहीं मिलता है तो मैं आपको जो है लिंक जो इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप चाहे तो वहाँ से खरीद सकते हैं। तो मैं इसका जो है पहले कनेक्शन में करता हूँ इसको। तो यहाँ पे दोस्तों हम दो रेजिस्टेंस लेंगे जो कि, तो मैं इसका जो है पहले कनेक्शन आपको करके दिखाता हूँ इसका कनेक्शन कैसे होगा। दोनों रेजिस्टेंस को, तो ये हमारे पास दो रेजिस्टेंस है तो मैं इस रेजिस्टेंस का पहले आपको कनेक्शन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम जो लैग हमारी बड़ी है तो इसको हम इतना कट कर लेंगे। यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपका छोटा ये लैग हो जाएगा। तो हम यहाँ पे सोल्डिंग कर लेते हैं पहले। तो ये जो हमारा लैग है इस वाले पॉइंट में हम इसको जोड़ देंगे। बिल्कुल अगर आपको अगर जोड़ना हो तो ये जो पॉइंट हमारा होता है जो बीच में गैप है तो कुछ इस तरीके से आपको आईसी रखना पड़ेगा। ये हमारा एक रेजिस्टेंस ज्वाइंट हो गया तो हम जो है दूसरे को, तो ये जो हमारा है तीन नंबर जो पॉइंट है वहाँ पे मैं जो है सोल्ड मार दूँगा। तो ये हमारा उसी तरीके से सोल्ड हो गया। और ये जो लैग होती है यहाँ पे हम बिल्कुल ऐसे कर देंगे। तो ये जो है कुछ इस तरीके से आपको ज्वाइंट करना है। और ये जो मैंने सोल्डिंग किया है तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे कुछ इस तरीके से मोड़ लेना है। मोड़ने के बाद इसको बीच में जो हमारा पॉइंट है इसको पहले हम छोटा से कर लेते हैं कि आपको आसानी से मालूम जाए कि कैसे में जोड़ना है। यहाँ पे मैंने जो है कुछ इस तरीके से इसको बिल्कुल सीधा करके ये जो बीच में ले गए बीच वाले पॉइंट में इसको जॉइंट कर देना है। यहाँ पे मैं जो है बीच वाले पॉइंट को ज्वाइन कर दिया है। और बचा ये वाला हमारा लेग, तो इसको जो है हम इसको जो है कट कर लेंगे। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आपको कनेक्ट करना है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे अब हम लगाएंगे एक कंडेंसर। ये हमारा माइनस वाला पॉइंट है, ये प्लस वाला, प्लस माइनस पॉइंट आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आपको ज्वाइंट करना है। सोल्डिंग हो गया है, यहाँ पर मैं जो है सोल्ड मार दिया है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो हम जो है इसको जो है आईसी के जो है पूरा अब ऐसे कर निकाल के इसको जो है पलटी मार देंगे इस साइड ऐसे। तो हमको इस साइड को कनेक्शन करना है। यहाँ से जो तीन नंबर पॉइंट है और ये जो हमारा पॉइंट है तो इस पे हम एक जम्फर मारेंगे। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको जम्फर मार देना है, खूब अच्छी तरह से सोल्डिंग कर देना है इसको बिल्कुल। अगर सोल्डिंग आप सही से नहीं करेंगे दोस्तों कि आप तब आपका प्रोजेक्टर नहीं पूरा काम करेगा। सोल्डिंग बराबर करना दोस्तों। और इसको जो है हम थोड़ा से कट कर लेते हैं, काफ़ी बड़ा हो रहा है तो हम इसको जो है थोड़ा ऐसे करके इस पर सोल्ड मार देंगे। तो ये आपको कुछ इस तरीके से सोल्डिंग कर देना है, कुछ इस तरीके से आपको सोल्डिंग कर देना है। तो जैसी को जो है पलटी मार देते हैं ऐसे।
हमारा रह गया बल्ब का वायर। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जो है यहाँ पे सफ़ेद वाली एलईडी लगी थी, तो यहाँ पे मैंने रेड कलर का कनेक्ट किया है। तो पहले मैं इसका जो है आपको एलईडी बल्ब का कनेक्शन कर देता हूँ। ये जो हमारा माइनस वाला पॉइंट है, ये माइनस वाले पॉइंट पर हम इसको कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जो है मैं 3 नंबर में इसको कनेक्ट कर दूँगा। तो ये हमारा 3 नंबर में कनेक्ट हो गया है दोस्तों। अब हम इसका जो है बैटरी का भी कनेक्ट कर देते हैं, कौन सा प्लस है कौन सा माइनस, तब आपको मालूम हो जाएगा कि आपका कैसा वर्क कर रहा है। ये वाला हमारा जो पॉइंट है ये हमारा प्लस हो गया, जहाँ पे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ वायर को, ये हमारा प्लस हो गया। और ये जो है माइनस हो गया, ये हमारा माइनस हो गया। तो हम इसको जो है बैटरी को कनेक्ट करके देखते हैं कि हमारा ये कैसा वर्क कर रहा है। तो हम लेंगे 9 वोल्ट की बैटरी पैनासोनिक, इसको हम कनेक्ट करके देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे मैंने बैटरी का जो कनेक्शन कर दिया है, तो हम यहाँ पे जो है बैटरी का जो प्लस वाला पॉइंट होता है, तो इसको हम टच करके देखते हैं कि हमारा कैसा जल रहा है एलईडी बल्ब। तो यहाँ पे हम इसको टच करते हैं, तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा कुछ इस तरीके से ब्लिंकिंग कर रहा है। और मैं आपको लाइट बंद करके एक बार दिखा देता हूँ कि हमारा ये कैसा ब्लिंक कर रहा है। तो ये हमारा इस तरीके से ब्लिंकिंग करता है। तो मैं जो है दोस्तों फटाफट मैं इसको डब्बे में फिट करके आपको दिखाता हूँ फिर। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे बना के पूरा कंप्लीट कर दिया है, यहाँ पे बॉक्स में डब्बे में मैंने फिट कर दिया है लाइट वाले जो है। और यहाँ से आपका चार्जिंग वाला भी हो जाएगा, आपको ये इंडिकेटर भी चलेगा। और बाकी मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ ये हमारा कैसा चल रहा है। ये देखिए रेड कलर का ये ब्लिंकिंग कर रहा है, थोड़ा बैटरी मेरा थोड़ा चार्ज नहीं है। तो ये हमारा ये हरा वाला भी आपको हल्का हल्का दिख रहा होगा दोस्तों, ये हरा वाला भी जल रहा है। तो मैंने ये इसी स्विच से पूरा कनेक्ट कर दिया है। और बाकी जी ले लाए लोग यहाँ खड़े खड़े शेयर कर रहे हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, खड़े खड़े हमें सब्सक्राइब ही कर दीजिए। आप चुप रहिए वरना आपका बेल आइकन तोड़ देंगे। अब ये क्या किया आपने, ये जो आपने कमेंट किया उसको लाइक कर रहे हैं।